न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पति ने ही किया था पत्नी का खून। यातनाओं के चलते साथ चलने से इंकार करने वाली महिला की उसके ही पति ने हत्या कर दी। बुधवार की रात MIDC के नीलडोह में इस हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने टेलर के टैग के आधार पर सुलझाया है। पुलिस ने आरोपी पति सिद्धार्थ भगवान मेशराम को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की रात नीलडोह में महिला का शव मिला था। महिला के हाथ पर सिद्धार्थ गुदा हुआ था। सिद्धार्थ महिला का पति अथवा प्रेमी होने का पता चल रहा था। पुलिस को परिसर की खोजबीन करने पर एक ट्रैवल बैग में पैंट, साड़ी, चूड़ी तथा मेकअप बॉक्स मिला। पैंट पर फ्रेंच टेलर लाखनी का टैग लगा हुआ था। इसके आधार पर पुलिस लाखनी पहुंची। पुलिस द्वारा पैंट दिखाने पर टेलर ने उसकी सिलाई होने का बताया। सिद्धार्थ के संबंध में पूछने पर टेलर ने रजिस्ट्री देखकर सिद्धार्थ मेशराम बोरगांव लाखनी निवासी अपना ग्राहक होने का बताया। पुलिस जब सिद्धार्थ के घर पहुंची तो उसकी पत्नी शिल्पा से भेंट करने के लिए नागपुर जाने का पता चला। पुलिस राजीव नगर स्थित शिल्पा के घर पहुंची। उन्होंने शिल्पा का बुधवार दोपहर सिद्धार्थ के साथ जाने के बाद से पता नहीं होने का बताया। शव देखते ही परिजनों ने शिल्पा की शिनाख्त कर ली। इसके बाद पुलिस ने लाखनी में दबिश देकर सिद्धार्थ को दबोच लिया। शिल्पा के 2014 में मोहगांव झिल्पी के सुनील उमरे से शादी हुई थी। एक साल बाद ही सुनील की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शिल्पा नवजात बेटी के साथ मायके आ गई थी। कुछ समय बाद ही वह शादी के बगैर ही सिद्धार्थ के साथ पत्नी की तरह रहने लगी। कुछ समय से सिद्धार्थ उसे यातनाएं देने लगा था। एक माह पहले ही उसके द्वारा मारपीट किए जाने से शिल्पा बेटी के साथ मायके राजीव नगर आ गई थी। 26 जुलाई को वह शिल्पा को लेने आया था। शिल्पा के साथ चलने से इनकार करते हुए उसे खर्च के लिए रुपए मांगे। सिद्धार्थ विवाद करके चला गया। वह बुधवार को भी दोपहर 1 बजे हत्या के इरादे से शिल्पा के घर आया। उसे बात करने के बहाने निर्जन परिसर पर ले गया। वहां शिल्पा ने उससे फिर खर्च के लिए रुपए देने को कहा। रुपए देने के बजाय वह विवाद करने लगा। इसी दौरान उसने धारदार हथियार से शिल्पा की हत्या करके फरार हो गया। नौसिखिया होने की वजह से उसने अपना बैग झाड़ियों में छोड़ दिया था। टेलर के टैग ने उसकी पोल खोल दी। अगली खबर, महाराजबाग का मास्टर प्लान मंजूर। नागपुर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नागपुर के महाराजबाग प्राणी संग्रहालय के सालों से प्रलंबित मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में प्राधिकरण की 21 जून 2023 की बैठक में प्राणी संग्रहालय डिजाइन एक्सपर्ट्स की टीम ने सहमति दी। इसके पहले महाराजबाग प्रस्तावित लेआउट प्लान को मंजूरी मिली थी, परंतु इस मंजूरी के लिए भी 9 साल लग गए। नागपुर के 125 साल पुराने महाराजबाग चिड़ियाघर में दशकों पुराने पिंजरे और एनक्लोजर सहित अन्य निर्माण कार्य करने थे। इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का महाराजबाग प्रबंधन पर दबाव था। इसके चलते महाराजबाग विकास कार्य के लिए वर्ष 2011 में मास्टर प्लान तैयार करके दिल्ली स्थित प्राधिकरण कार्यालय को मंजूरी के लिए भेजा गया था, परंतु CJDA ने कई बार कुछ सुधारने के साथ प्लान वापस भेज दिया था। इस तरह वर्ष 2011, 2012 व 2014 और 2016 में सुधारित मास्टर प्लान CJET को दिया गया था, लेकिन CJDA से मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बाद फरवरी 2018 में भी चिड़ियाघर ने आवश्यक सुधार सहित लेआउट प्लान को मंजूरी के लिए भेजा था। इस बीच प्राधिकरण ने चिड़ियाघर को आवश्यक सुधार नहीं किए जाने पर महाराजबाग की मान्यता तक रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया था। इस पर मई 2018 को जू प्रबंधन ने दिल्ली में सुनवाई के दौरान प्लान मंजूरी के बगैर विकास निधि नहीं मिलने की जानकारी प्राधिकरण को दी थी। इस पर प्राधिकरण ने नक्शा मंजूर करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी 2 साल से चिड़ियाघर का प्लान CJDA के निर्देशों के मुताबिक आवश्यक सुधार के लिए लटका हुआ है। आखिर महाराजबाग प्रबंधन ने 14 दिसंबर 2022 को सुधारित मास्टर प्लान मंजूरी के लिए भेजा था। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।